नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ओम शांति। एक दिव्य संदेश, एक दिव्य इशारा। मन में बार बार प्रश्न उठता है कि विनाश कब होगा, युग को समाप्त कर परिवर्तन का समय अभी समाप्त हो जाएगा। संगम युग या महामिलन, महापरिवर्तन का युग है। दुनिया भर में हवा साफ हो रही है, सड़कों पर शोर कम है, लोग यहाँ वहाँ यात्रा करने छोड़ दिए, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, लग्जरी क्रूज जहाज समुद्र को गंदा नहीं कर रहे हैं, लोग मांस खाना छोड़ रहे हैं, अपने हाथ धोने के लिए समय निकाल रहे हैं, हाथ मिलाने की विदेशी कुसंस्कार को छोड़ लोग भारतीय संस्कृति को तेजी से अपने संस्कार बना रहे हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जीवित रहने के लिए भगवान का आभारी महसूस कर रहे हैं। जीव हत्या काफी रुक गई है, देश देश में चर्चा चल रही है, जीव जंतु सब प्रसन्न है। यह करुणा अवतार नहीं, यह एक सृष्टि परिवर्तन का एक दृश्य है, नजारा है। एक झटके ने घुटने पर ला दिया समस्त मानव जाति को। उड़े जा रहे थे, कोई चांद पर कब्जे करने की तैयारी कर रहा है तो कोई मंगल पर, कोई सूरज को छूने की कोशिश कर रहा है तो कोई अंतरिक्ष में आशियां ढूंढ रहा है, पड़ोसी देश की जमीन हड़पने की तैयारी कर रहा है और कई देश न्यूक्लियर पावर पर नशे में अपने पूरे विश्व को ध्वस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं धर्म के नाम पर नरसंहार चल रहा है तो कहीं जाति के नाम पर अत्याचार, छोटे छोटे बच्चों को बलात्कार किया जा रहा है। मानव जाति तो जैसे समाप्त हो चुकी है। यह संसार में ईश्वर का एक मानव दिव्य संदेशा है। अभी भी हम जाग जाएं, चेतना लाएं अपने में। ईश्वर कहते हैं, मैंने तो तुम लोगों को रहने के लिए इतनी खूबसूरत धरती दी थी, तुम लोगों ने इसे बर्बाद करके नरक बना दिया। मेरे लिए तो आज भी सब एक छोटे से प्यारे से परिवार की तरह हो। मुझे नहीं पता कि कहां चीन की सीमा खत्म कर हो रही है और कहां भारत की सीमा शुरू होती है। मुझे नहीं पता कि ईरान कहां है और कहां इटली और कहां जर्मनी। ये सब तुम लोगों ने बनाया, मेरे लिए तो एक है पूरी धरती। मुझे नहीं पता कि कौन सी ईसाई है, कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन यहूदी और कौन बौद्ध है। मुझे नहीं पता कि कौन ऊंच जाति का है, ना कौन नीच जाति का। मैंने तो सिर्फ एक सिर्फ इंसान बनाया था, क्योंकि एक दूसरे को मार रहे हैं। जिस इंसान को मैंने बनाया वो देवतुल्य है, वो महान है, और वो आज अपने कर्मों से इस धरती को नरक बना चुका है। प्यार से अगर नहीं रह सकते तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। चारों तरफ आग, अनेक प्रकार की मौत का तांडव देखने को मिलेगा। क्या ऐसे नजारा देखने चाहते हो? जानते हो कि सब छोड़कर मेरे पास ही आना है, यही तुम्हारा आशिया है, घर है, मेरे पास ही तुम्हारी मंजिल है। तब भी छिना झपटी नोचा खुशती कत्ले आम मचा रखे हो? अभी तो मैंने तीसरा नेत्र थोड़ा सा ही खोला है। संभल जा और सुधर जा, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं लिया। एक बार बस, एक बार बस देव कुटुंबकम की तरह रह कर तो देखो, सब ठीक हो जाएगा। निज को परिवर्तन करो, परमात्मा को, मुझ पिता को याद करो। मैं मा
मास्टर मुक्तिदाता आत्मा हूं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्वशक्तिवान के साथ हर पल हर घड़ी सर्वशक्तिवान बाबा के साथ हूं।